शोरूम में, और आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों गाड़ियाँ लाइन अप है, और ये सैंड कलर है और ये है एयरबोर्न ब्लू कलर। इनका अगर आपको बुकिंग करना है आप हैदराबाद से है तो ये जो शोरूम का है कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनका एड्रेस भी वहाँ पे डाल दूंगा। ये है ग्रीन गो ग्रीन शोरूम है यहाँ पे गच्चीबोली में, और ये दोनों बाइक्स है जो अभी लॉन्च हुए अभी आप देख सकते हैं, ये भी ABS है और वो वाला भी ABS ब्रेक के साथ है। इसका रिव्यूज आपको ये वीडियो पे मिल जाएंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना मत भूलिए, और अगर आपको शोरूम ये गाड़ी बुक करना है तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। अभी टेस्ट राइड थोड़े दिन में अवेलेबल हो जाएगा ना अवेलेबल, हाँ तो ये लोग बोल रहे हैं कि टेस्ट राइड थोड़े दिन में अवेलेबल हो जाएगा या एक या दो दिन में अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको टेस्ट राइड करना है तो आप टेस्ट राइड के लिए भी आ सकते हैं, अगर आपको बुक करना है तो इनको कॉल कर सकते हैं और ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं इनको कॉल करके। Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आप आज देख रहे हैं रॉयल एनफील्ड की नई बाइक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 सिग्नल्स ड्यूल चैनल ABS। क्लासिक सीरीज में और एक बाइक लॉन्च करे हुए रॉयल एनफील्ड ने इंडिया में क्लासिक सिग्नल्स 350 का लॉन्च किया है ड्यूल चैनल ABS के साथ, जिसकी प्राइस है 1,62,000 एक्स शोरूम। रॉयल एनफील्ड ने क्लासिक सिग्नल्स 350 ABS लॉन्च करके सेलिब्रेट किया है 65 ईयर्स की सर्विसेज जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को दी है रॉयल एनफील्ड ने। इनफैक्ट ये रॉयल एनफील्ड की पहली बाइक है जिसमें एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है इंडिया में, और शायद अब रॉयल एनफील्ड की दूसरे मॉडल्स में भी ABS जल्दी ही आ जाएगा, जैसे हिमालयन मॉडल में ABS आने वाला है। इस बाइक की बुकिंग्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं डीलरशिप शोरूम्स में। अगर आप ये बाइक बुक करना चाहते हैं और हैदराबाद से हैं तो आपको इस शोरूम की डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप उनको कॉन्टैक्ट करके बुक कर सकते हैं। बाइक की डिलीवरी अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगी और हो सकता है कि उससे पहले भी हो जाए। क्लासिक सिग्नल्स 350 ABS का प्राइस नॉर्मल क्लासिक मॉडल से 15,000 से 16,000 रुपये ज़्यादा है, और इसकी प्राइस एक्स शोरूम जैसे मैंने ऊपर बताया 1.62 लाख है। क्लासिक सिग्नल्स में दो कलर्स दिए गए हैं, स्टॉर्म राइडर सैंड और एयरबोर्न ब्लू। इस बाइक में कॉस्मेटिक चेंजेस दिए गए हैं, जैसे ब्लैक कलर कर दिया गया है हेडलाइट की हाउसिंग बेजल्स पे, इंजन पर क्रैंकेश कवर, एग्जॉस्ट मफलर पर, हैंडल बार पर और स्पोक व्हील्स पर। ये बाइक अवेलेबल है ब्राउन कलर सीट के साथ दोनों ही कलर्स में, और अगर आप सीट को निकालना चाहते हैं या फिर सिंगल सीट यूज़ करना चाहते हैं तो पीछे का जो पिलियन का सीट है उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। इस बाइक के टैंक पर एक नंबर दिया गया है जो हर एक क्लासिक सिग्नल्स 350 बाइक पर यूनिक होगा, और ये नंबर जो दिया गया है ये मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन नंबर है। बहुत अच्छा लगेगा जब आप अपने रॉयल एनफील्ड क्लासिक सिग्नल्स को इसके नाम से ही नहीं बल्कि एक नंबर से भी बुला पाओगे जो आपकी गाड़ी के लिए यूनिक होगा। कंपनी ने भारतीय सेना की सेवा को श्रद्धांजलि देने के लिए फ्यूल टैंक पर एक स्पेशल एम्बलम भी दिया गया है, और अगर आपको याद होगा पेगासस 500 जिसके ऊपर रॉयल एनफील्ड का RE नाम लिखा था, वो सेम स्टाइल में RE रॉयल एनफील्ड का नाम ये बाइक में भी दिया गया है। मैकेनिकली इंजन वाइज इसमें कोई चेंजेस नहीं दिए गए हैं, और इसमें दिया गया है सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर कूल्ड 346cc का इंजन, जिसकी पावर है 19.8 BHP एट 5,250 RPM एंड इसकी टॉर्क है 28 Nm एट 4,000 RPM पे। इसमें आपको 5 गियर मिलते हैं और ये कार्बोरेटर इंजन के साथ आती है, और हो सकता है कि जल्दी ही कंपनी इसमें फ्यूल इंजेक्टेड FI इंजन भी लॉन्च कर सकती है। सामने की तरफ दिया गया है 35mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, और पीछे की तरफ दिया गया है गैस चार्ज्ड ट्विन शॉक अब्जॉर्बर जो हेल्प करता है लॉन्ग राइड में कंफर्टेबल राइड बनाने में, और आपको सीट के नीचे भी स्प्रिंग्स दिए गए हैं जिसकी वजह से थोड़ा कंफर्ट और भी ज़्यादा मिलेगा। और ये सीट के नीचे स्प्रिंग्स देखकर पुरानी एटलस की साइकिल की सीट की याद आती है जिसमें स्प्रिंग दी जाती थी सीट के नीचे। अगर आपने वो एटलस की साइकिल चलाई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए कि भाई हमने
बचपन में एटलस की साइकिल चलाई है। इस बाइक में 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है और माइलेज आपको 40 km तक मिल जाएगा। और वैसे भी माइलेज कम और ज़्यादा आना आपकी राइडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है। आपको शायद जानकर अच्छा लगे कि कंपनी ने अब दिया है फ्यूल गेज का इंडिकेशन, जिसमें आपको लो फ्यूल की वार्निंग मिलेगी और उसके साथ ही आपको ABS लाइट इंडिकेशन दिया गया है। बाकी जो सिस्टम कंसोल है इसका मीटर, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। कंपनी ने दिया है ड्यूल डिस्क ऑप्शन इस गाड़ी में और सामने के डिस्क का साइज़ है 280 mm और इसमें डबल पिस्टन कैलिबर दिए गए हैं सामने की साइड में। और पीछे की तरफ जो डिस्क ब्रेक है उसका साइज़ है 240 mm सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपको दिया गया है ड्यूल चैनल ABS का ऑप्शन। फ्रंट टायर का साइज़ है 90x90 19 इंच का, 19 इंच का MRF का टायर है। और पीछे का जो टायर है उसका साइज़ है 110x80 18 इंच का टायर, 18 इंच का टायर है पीछे का और सामने का 19 इंच का टायर है। और ये दिया गया है स्पोक व्हील्स के साथ। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बाइक दो कलर्स ऑप्शन में अवेलेबल है और लॉन्च हो चुकी है। और पहला कलर है एयरबोर्न ब्लू जो आप यहाँ पे देख रहे हैं और दूसरा कलर है स्टॉर्म राइडर सैंड के साथ। हैंडल बार में आपको दिया गया है हाई एंड लो बीम हेडलाइट का ऑप्शन, इंडिकेटर बटन। ये बाइक आपको मिलती है ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन ऑप्शन के साथ, क्योंकि ये BS4 कंप्लाइंट इंजन है। और अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको इंजन किल स्विच दिया गया है, उसके साथ ही साथ आपको सेल्फ स्टार्ट का बटन भी दिया गया है। इस बाइक में आपको सेल्फ स्टार्ट के साथ ही साथ किक स्टार्ट का ऑप्शन भी मिलेगा। और जो हेडलाइट है उसमें आपको नॉर्मल हेलोजन बल्ब दिया गया है। क्लासिक सिग्नल्स की लेंथ है 2160 mm, हाइट है 1090 mm, विड्थ है 790 mm और इसका जो व्हील बेस है वो है 1370 mm और ग्राउंड क्लीयरेंस है 135 mm। ग्राउंड क्लीयरेंस मुझे थोड़ा कम लगा मेरे हिसाब से। और अगर आप पिलियन के साथ गाड़ी चला रहे हैं तो आपको स्पीड ब्रेकर्स पे थोड़ा ध्यान से चलाना होगा। कंपनी ने इस बाइक के साथ कुछ रेंज ऑफ एक्सेसरीज भी लॉन्च की है, जैसे विंडशील्ड है, पैनियस है, पैनियस का रैक्स है, सैडल बैग है, राइडिंग बूट्स है, जैकेट्स है। ये एक्सेसरीज अगर आप खरीदना चाहते हैं तो इनके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर आप खरीदना चाहते हैं तो। अगर आपको और कुछ जानना है इस बाइक के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आप रॉयल एनफील्ड के डीलरशिप शोरूम को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हैदराबाद से हैं तो ये शोरूम जहाँ पे मैंने गाड़ी का वीडियो शूट किया है, इनका कॉन्टैक्ट डिटेल आपको ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उनसे कॉन्टैक्ट करके इसका ऑन रोड प्राइस और बुकिंग की डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूले। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी के बटन को जरूर दबाएँ ताकि आपको मेरे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट।